Hey guys, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का आरबीएससी का मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को लूंगा विद कंसेप्ट, और एक्सपेक्टेड है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज आपको जब आप मेन एग्जाम दे रहे हो वहां पर आपको नजर आए। तो कॉपी पेन उठाइए और सॉल्यूशन को, एक एक सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, इसमें भी इंटरनल चॉइसेस हैं। चार नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने करने के लिए वो है कि आप बताइए इसमें कि व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताइए, और साथ में रे डायग्राम बनाना है हमें, मोनोक्रोमेटिक रे रिफ्रेक्टिंग फ्रॉम ए ग्लास प्रिज्म। तो देखिए जो डिस्पर्शन है यानी विक्षेपण प्रकाश का, उसका मतलब क्या होता है, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपने बहुत बार देखा होगा लाइट जो है, लाइट जो व्हाइट लाइट सनलाइट है कितने कलर से बनी हुई है, सात रंगों से बनी हुई है। तो वो सात रंग इंद्रधनुष के टाइम पे हमें जो दिखाई दे जाते हैं दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी स्पेक्ट्रम दिखना। स्पेक्ट्रम मतलब लाइट के डिफरेंट कलर्स में दिख जाना, टूट जाना, तो लाइट का स्प्लिट हो जाना डिफरेंट कलर्स में इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब इसको कौन कर सकता है डिस्पर्शन को, प्रिज्म कर देती है। तो प्रिज्म में अगर आपके पास में प्रिज्म हो तो आप उसको देखिए, उसमें डिफरेंट लाइट में रखते हैं तो बहुत बार डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम में दिखाई दे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इसमें आपको इस डेफिनेशन पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरे जो इसका पार्ट है उसमें पूछा है ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर मोनोक्रोमेटिक रे, एक रे डायग्राम बनाना हमें। रे डायग्राम किसका बनाना, अपवर्तन को दर्शाने वाले रिफ्रैक्शन को दिखाना, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मतलब एक ही लाइट का प्रकाश। हम उसको ये, हम व्हाइट लाइट नहीं मान रहे इसमें कि व्हाइट लाइट है और वो सात रंग में डिवाइड हो गया, हम कोई एक लाइट जैसे रेड डाल दी, वायलेट डाल दी, कोई भी डाल दें। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, इन पर सबसे पहला काम क्या करना है कि जो है इसमें लंबत हमें ये लाइनें खींचनी है, दो परपेंडिकुलर खींच लेंगे, परपेंडिकुलर खींच लिया आपने। अब परपेंडिकुलर खींचने के बाद हमें क्या करना है, इन पर इंसिडेंट लाइट लेके आनी है। इंसिडेंट का मतलब इनके ऊपर लाइट को फॉल कराना, यहां से ये लाइट की रे है, ये रे डायग्राम बनाना है ऐसा, और इस एंगल को लिखते हैं इंसिडेंट एंगल, आई से डिनोट करना है। अब जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो लाइट को आप, ये लाइट को जाना होगा ऐसे सीधी, ऐसे जाना होगा ना, लेकिन यहां पर ये इसकी परपेंडिकुलर तरफ मुड़नी है, तो आप इसको हल्का सा मुड़ता हुआ दिखाएंगे ऐसे। तो ये तो जाना यहां चाहिए था लेकिन वास्तव में यहां गई, तो यहां गई, यहां आने के बाद अभी परपेंडिकुलर अब यहां मत ड्रॉ करिए, अब आप यहां करिए इसको ड्रॉ इस जगह पर, और यहां पर अब इसको लाइट को कहां जाना है, यहां जाना है, लेकिन ये वाली रे को यहां जाना है, लेकिन अब आप इसको कहां मोड़ेंगे, इसको अब ऐसे मोड़ना है। तो ये देखिए दोनों, ये ध्यान रखना बनाते समय दोनों ये लाइन पैरेलल आए, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, और इसमें एंगल्स भी आपको दिखाने, तो एंगल्स भी हम इसमें दिखा देंगे। ये इंसिडेंट था, इस एंगल को हम बोल देंगे इमर्जेंट, यहां से इसको छोटा बना लें, इसको जाना था ये इधर पहुंच गए, ये इमर्जेंट होगा एंगल, इसको ई लिख देना, और यहां पर ये एंगल रिफ्रैक्टेड दिखा देना, ये लाइट यहां पर आई तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर से हम ये दिखा सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये अंदर क्यों मुड़ी है, इसके लिए आपको पूरा किताब में देखना पड़ेगा या फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको जब तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म लेके आए, सबसे पहले हम बनाते हैं प्रिज्म। प्रिज्म देखिए ऐसी होती है। अब जरा एक चीज का ध्यान रखना कि ये बनी होती है किसकी, ग्लास की, बाहर क्या है, हवा है। तो यहां पर सबसे पहले जैसे इसमें किया था 90 डिग्री, तो हमें इस पर भी 90 डिग्री लाइन खींचनी है। इसको ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह से, यहाँ 90 खींच दी, अब यहां पर कोई एक इंसिडेंट रे फॉल कराते हैं, ये इंसिडेंट, ये एंगल क्या हो जाएगा आई, 90 के साथ में रे वाला एंगल को आई लिखते हैं, दोनों में ध्यान रखो। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, दिखाएंगे यहां जाना है इसको, लेकिन ये वास्तव में यूं नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, इसको इसको भी एक्सटेंड कर दो आप 90 डिग्री को, इसको क्या करना है आपको, इसकी तरफ मोड़ना है, 90 की तरफ मोड़ना है, क्योंकि ये रे अभी अभी मैंने बताया आपको यूं ना जाके मुड़ गई अंदर। तो अंदर क्यों मुड़ी, इसका आंसर चलो मैं आपको बता दूं,
कि जब भी लाइटर से डेंसर मीडियम में आए, बाहर लाइटर मीडियम है, यहां लिख देता हूं लाइटर मीडियम से ये एयर है, ये ग्लास है, लाइटर से कैसी में आए, डेंसर में आए, डेंसर में आए यानी विरल से सघन में आए। तो जब भी ऐसा हो कि लाइटर से डेंसर में आए तो आप इसको इसकी तरफ मोड़ना है, आपको परपेंडिकुलर की तरफ मोड़ना। तो यहां भी देखो बाहर से आ रही है अंदर, लाइटर से डेंसर, तो इस रे को हम इसकी तरफ मोड़ देंगे ऐसे, ये मोड़ दिया। अब यहां पर इस रे को अगेन यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्यों बनाना है, क्योंकि 90 डिग्री के हिसाब से चलना है अपन को। तो यहां 90 डिग्री का एंगल देखिए ऐसा जाएगा। अब इस रे को कैसे जाना था अब दिखाएंगे ऐसे, लेकिन अब देखो अब कैसे जा रही है, रेयरर से डेंसर, यहां रेयरर से डेंसर जा रही है, तो यहां डेंसर से रेयरर जा रही है, इस जगह पर ये डेंसर है और बाहर कैसा है, रेयरर है। इसको लाइटर लिख दो या फिर रेयरर लिख सकते हैं आप, इसको डेंसर और रेयरर लिखते हैं, तो विरल और सघन। तो यहां पर डेंसर से रेयरर जाए तो अवे ले जानी है 90 से, गॉट। तो यहां पर देखो, यहां जैसे ये रे लाइट, ये यहां आई ये लाइट, इसकी ये लाइट चली आ रही है, देखो लाइट का एरो मत भूलना, ये इधर आई, लेकिन अब किधर जा रही है, ये डेंसर से रेयर, और डेंसर से रेयर में अवे करना है आपको 90 से अवे, तो 90 से अवे आप इधर ले जाएंगे इसको, गॉट। ये इस जगह पर आ जाएगी। तो पहला तो ये डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए अच्छी तरह से, अगर ये डायग्राम आता है तो ही हम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें बिल्कुल आगे हम नहीं कर पाएंगे। इतना कराने के बाद इसके जरा पॉइंटों को मार्क कर देता हूं। देखिए मैं थोड़ा इसमें आपको बताता हूं इन पॉइंटों को मार्क करने के, इस रे पे ध्यान दो, ये रे यहां से आई इधर मुड़ी, यहां से फिर ऐसे निकल के गई। अब ये जो कितना मुड़ी, ये यहां से आ रही है और यहां इमरजेंट ये ई एंगल है, तो ये कितना निकल के जा रहा है ना, कितना मुड़ी, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन विचलन कोण बोलते हैं। देखो मैं बताऊं आपको इस विचलन कोण कैसे देखेंगे हम, कि ये रे यूं जा रही है और वास्तव में किधर गई, इधर मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, ये रे थी आई वाली, ये सीधी ऐसे जा रही है, ये जो बाहर निकली है, ये जो बाहर निकली है ये वाली, इसको आप बैक ले जाइए, इसको पीछे ले जाइए, इससे मिलाइए, तो ये एंगल जो बनेगा ये ही विचलन होगा, मतलब ये रे यहां से जाके यो मुड़ी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो कितना मुड़ गई, ये एंगल होगा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा विचलन कोण का ये एंगल, हमें इसको एक्सटेंड करके, इस वाली लाइन को एक्सटेंड करके यहां पर ये हमें जरूर बनाना है, पीछे तक एक्सटेंड करना है इसको, ठीक है। जैसे इसको यहां से जाके पीछे एक्सटेंड कर दिया, जो पहला काम तो हमें ये फिगर का ये हमें बना लेना है। अब आगे ड्राइव करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री हमें लगानी है। अब हमें क्या रखना है कि इस चतुर्भुज में देखिए, पैरेललोग्राम में, इस वाले में ए क्यू ई, ए क्यू ई, और इसको हम लिख दें आर, ए क्यू ई आर में देखें, तो ये आप जानते हैं सबका सम 360 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने इस एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू ई, ये एंगल प्लस क्यू ई आर, ये वाला एंगल, यानी एक दो तीन और चार, ये चारों एंगलों का सम हमने 360 डिग्री इसमें लिख दिया। लेकिन यहां देखो एंगल ए क्यू ई, ये ए क्यू ई, ये तो परपेंडिकुलर डाला हुआ है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 लिख दिया हमने। इसी प्रकार से ये भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ई आर ए भी परपेंडिकुलर है, ई आर ए, ये ई इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है, तो ये भी हमने 90 लिख दिया। तो इन दोनों को 90 लिखने पर 90 प्लस 90 180 इधर ले गए, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू ई आर हमारे पास में 180 मिला। इसकी पहली इक्वेशन हमें लिख लेनी है। अब जरा इधर देखिए, हमें इस ट्रायंगल में देखना है, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल जो नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ट्रायंगल क्यूईआर में, क्यूईआर में ये बताओ ये जो है रिफ्रेक्टिव एंगल होगा कि नहीं, आर लिखते हैं ना इसको, अंदर जो मुड़ जाती है इसको आर लिखते हैं, इसको आर वन लिख लो और इसको आर टू लिख लो, करेक्ट। यहां वाला ये वाला एंगल ये भी आर ही होगा, यहां पे हम इसको डिफरेंट मान के चलते हैं, अभी आर वन लिख दो और यहां पर आर टू लिख दो, लिख दें। तो इन ट्रायंगल क्यू ई आर, ये एंगल हमने लिख दिया आर वन और आर टू, आर वन आर टू क्या यहाँ पे रिफ्रेक्टिंग एंगल है। अब देखो एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो इनमें तीनों का सम लिखेंगे, एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस कौन सा क्यू ई आर, एंगल क्यू ई आर इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम 180 डिग्री लिखेंगे, करेक्ट। तो 180 डिग्री लिख के इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो एंगल यहां पर हम जैसे ही इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू मिलेगा हमें, यहां पर हम वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहां 180 माइनस क्यू ई आर हो जाएगा, 180 माइनस क्यू ई आर हो जाएगा, तो ये दोनों चीज इसके बराबर हो जाएंगे। अब जरा इस ट्रायंगल में फोर्स करना है हमें,
इन ट्रायंगल, ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसमें फोकस करना है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में। तो इसमें कौन सा है, क्यू डी आर। तो यहां देखो ट्रायंगल क्यू डी आर में, इसको जरा हम देखो, मैंने इसमें क्यू डी आर को यहां पे ऐसे बनाया हुआ है, यहां पे ये आर वन है अंदर वाला, ये आर टू इधर वाला। अब ये अंदर वाला ये एंगल कितना होगा, ये होगा आई माइनस आर वन, और ये होगा आई माइनस आर टू, ये आई माइनस आर वन, और ये इमरजेंट एंगल था ये ई है, तो ये हो जाएगा ई माइनस आर टू। अब देखो ये कैसे लिखा है, थोड़ा सा इसको समझो। ये ऐसे लिखा है कि ये एंगल पूरा कितना है हमारा 90 से, पूरा वाला कितना है ये एंगल आई है, और ये इसका ये पूरा अंदर कितना होगा, ये पूरा आई होगा, लेकिन इतना हिस्सा कितना है इसमें आर वन है, तो अंदर बचा हुआ हिस्सा कितना होगा आई माइनस आर वन। ऐसे ये पूरा ई है तो ये पूरा कितना होगा ई होगा, लेकिन इसमें नीचे कितना आर टू, तो ऊपर वाला कितना होगा ई माइनस आर टू। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिए। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, तो ये वाले दोनों एंगलों का सम इसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आप जानते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाली हमें लगानी पड़ेगी, एक्सटीरियर एंगल यानी जो लेमडा है इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। इन दोनों को जरा सेट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आई प्लस ई माइनस ले लीजिए आर वन प्लस आर टू। अब जरा देखिए यहां से आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है ए, तो यहां हम लिखेंगे मिनिमम एंगल जो इस जो एंगल ऑफ डिवीजन ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है आई प्लस ई माइनस ए। अब ये तीनों चीजें क्या है, ये आई तो इंसिडेंट एंगल है, ई इमरजेंट एंगल है, और ए क्या है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म का जो अंदर जो प्रिज्म जो बनाई है हमने, इसमें ये जो एंगल था ये ए है। नॉर्मली ये 60 डिग्री का एंगल लेके चलते हैं हम। अब जरा एक चीज को देखो, हम इस इक्वेशन से तय है कि जो ये जो है लैम्डा है यानी एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन मतलब क्या था कि ये रे जो है यहां से निकल के कितनी मुड़ती है, ये अगर इतनी मुड़ी, ये इतनी मुड़ी या फिर इतनी मुड़ी, तो ये हम मुड़ने का पता कैसे लगाते हैं, इसको बैक कर देते हैं यहां, तो ये एंगल जो फॉर्म होता है ये एंगल ऑफ डिविएशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये जो डिपेंड करता है कि आपको नहीं लग रहा है ये आई के ऊपर डिपेंड करता है, यहां से भी पता चल रहा है, तो ये जो लैम्डा है डिपेंड करता है आई पर। और एक प्रैक्टिकल होता है, इस प्रैक्टिकल को जो हम करते हैं तो यहां पर ये कर्व इस तरह से आता है, हम क्या करते हैं उसमें आई की वैल्यू को डिफरेंट करते जाते हैं, और उससे हम आई की वैल्यू को डिफरेंट करके यहां पर आई लिख लेते हैं और यहां पर लैम्डा लिखते हैं, तो वो लैम्डा कैलकुलेट करते जाते हैं, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में हम ये इस काम को करते हैं। तो इस तरह ग्राफ प्राप्त होता है, और ये ग्राफ में ये जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल मिनिमम होता है, ये देखिए ये लैम्डा जो है, लैम्डा एम जो है मिनिमम है। ठीक है, तो ये लैम्डा एम मिनिमम की कंडीशन होती है, और अच्छी तरह समझ लेना, लैम्डा एम मिनिमम जब ही होता है जब आई इज इक्वल्स टू क्या होता है ई होता है। तो यहां इस चीज को जरूर लिखिएगा, लैम्डा एम मीन्स आई इज इक्वल्स टू ई, तो वेन इंसिडेंट एंगल एंड इमरजेंट एंगल आर इक्वल देन एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम, यहां पर मिनिमम होता है आई इज इक्वल्स टू ई पर। इस इक्वेशन में पुट करते हैं क्योंकि हमारा लैम्डा एम के फॉर्म में ही इसको आंसर को निकालना है, तो लैम्डा एम बराबर कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ई लिखेंगे तो टू आई माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही टू आई माइनस ए होगा तो यहां पर आई की वैल्यू निकालनी है हमें, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये हमारा आई हो जाएगा, और हमारा जो आर होगा वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी आर वन इज इक्वल्स टू आर टू होगा। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है लैम्डा एम पर, लैम्डा एम पर अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल के दौरान समझने की बातें होती हैं, जब मैं इसको प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें जरूर इस चीज को करके दिखाऊंगा। तो आपको अभी ये याद रखनी है, लैम्डा एम जो है आई इज इक्वल्स टू ई करना है, और लैम्डा एम करते समय आर वन इज इक्वल्स टू आर टू करना है। तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम आर वन इज इक्वल्स टू आर टू पुट करता हूं, तो यहाँ एंगल ए जो मेरा वैल्यू आती है इज इक्वल्स टू क्या आती है टू आर वन या टू आर, तो इसका मतलब जो आर होता है वो कितना निकल के आता है ए बाई टू। अब देखिए स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, स्नेल्स लॉ के हिसाब से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो हमें निकालना है वो कितना होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे साइन आई होता है और ऊपर होता है साइन, नीचे होता है साइन आर होता है। तो लीजिए यहाँ साइन लगा देंगे और साइन लगा के आई की वैल्यू को यहां से पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा एम प्लस ए अपॉन टू, और यहां पर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे साइन आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो आर जो हमारा निकल के आया ए बाई टू। ये हमारा फॉर्मूला
जो कि ड्राइव कराने की उन्होंने बोला था, हमने ड्राइव करा दिया। ऐसे पूरा इस तरीके से लेकर आपको पूरे 4 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 22वें को देखते हैं। इसमें चॉइसेस हैं, इंटरनल 3 ऑप्शंस हैं आपके पास में, 3 में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने चूज किया हुआ है गाउस लॉ वाला। तो देखिए इसमें मार्क्स 4 हैं फॉर ईच क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो देखिए स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस। इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें ये लिखा है कि जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो अगर उसमें अंदर चार्जेस हैं, तो उन चार्जेजों में से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से वो कितना होगा, फाई टोटल, वो होगा समीशन क्यू का मतलब अंडर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉट इट। और हम इसको ई ए सरफेस भी लिख सकते हैं, गॉट इट। इस तरह से हमें लिखना है पूरा लॉ, हम इस तरह से लिखेंगे। आगे देखते हैं इसमें, अब इसमें आगे इसमें किया है कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना विद हेल्प ऑफ दिस गॉस लॉ। तो यहाँ पर एक मेटल, यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल की शीट है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मेटल की शीट है, ये इनफाइनाइट मान लीजिए। इनफाइनाइट शीट के लिए डैश लाइन हमने दिखा दी। अब इससे हमें कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी ये बतानी है। तो इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब ध्यान रखिए प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग में आपको याद रखना इस चीज को कि कंडक्टिंग प्लेट में सरफेस पर चार्ज आता है, ऊपर आ जाता है, यानी कि ये जो खाली जगह दिखानी है इसमें बीच में चार्ज बिल्कुल मत दिखाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कैसे, कि सबसे पहले इधर निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहला काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट लेंगे और एक कंपोनेंट इस प्लेट का यहाँ ले लेंगे, ये प्लेट बना लेता हूँ, इसके 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डी ए एरिया ले लेंगे और यहाँ पर भी डी ए एरिया लिया। अब ये जो पॉइंट है, हम सबसे पहले यहाँ पर दिखाना डायरेक्शन, अगर आप इस स्टेप को नहीं दिखाओगे तो हमारे इसमें क्या है मार्क्स कटेंगे। तो हमें टोटली बहुत से देखा है मैंने बच्चे बिना डायरेक्शन के इसको स्टार्ट हो जाते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस कंपोनेंट से लिखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी ए एलिमेंट आर शोन। ये देखो यहाँ पर होगी, इसकी वजह से ही यहाँ होगी, बिल्कुल अवे होती है ऐसे, इससे अवे दिखा दी, इससे यहाँ पे अवे दिखा दी। अब इसके 2 कंपोनेंट लिखना, यहाँ लिखना इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा गेट कैंसिल्ड आउट, ई साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड्स अप, ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहता है। इस बात से हमने यहाँ पर इतना करने के बाद इसमें ये दिखा दिया कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। एक बात तो पहला तो ये दिखाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है ना शीट की, इसके परपेंडिकुलर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। क्यों मिली, क्योंकि हमने ऐसे इसको काट दिया था। अब क्योंकि हम इसमें एक चीज और लिखेंगे कि इसमें क्या है, इसका हम जो चार्ज दिया हुआ टोटल चार्ज मानेंगे क्यू, इसका एरिया मानेंगे ए, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिग्मा, ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिखना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो क्यू अपॉन ए, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं, इमेजिनरी गॉसियन वापस में लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस अज्यूम ए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस देखो कैसी बनानी है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी है हमें, ऐसे लिखना कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरह से, यहाँ पर बीच में खत्म कर देना अब इसको, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसमें आगे पीछे मत निकाल देना इसको, ये ही याद रखना है इसको हमें यहाँ पर खत्म कर देना है, इसको पीछे मत निकालना। तो जैसे ही हम निकालेंगे तो इसके सरफेसेस कितनी होंगी, हम ये वाला लिखेंगे बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखने के बाद अब ये वाली चीज करेंगे हम, पहले राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा निकालना हमें,
cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा निकालना है हमें, तो थीटा देखिए यहाँ पे ए कितनी है, ए मतलब सरफेस, यहाँ सरफेस देखो इसकी वन सरफेस, ये सरफेस का ए इधर बनाना है, ई तो इधर है ही है, दूसरी है कर्व सरफेस, इसका एरिया ऊपर बनाना और ई तो इधर है ही है, तीसरी सरफेस इसका एरिया इधर बनाना और ई इसमें अभी अंदर जीरो लिखना, अंदर ई कितनी है इसमें जीरो, बस इसकी ये ट्रिक है। अगर इतना आपको याद रह गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो हम क्या करना है यहाँ पर, इसको लिखना है इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा, तो इस सरफेस के लिख लेना, फॉर फर्स्ट सरफेस हम लिखेंगे ई इंटू ए, एरिया को आप क्या मान लें, पूरे को एरिया को ए माना है तो इसको ए डैश मान लें, वो ज्यादा बेटर है। तो ए डैश कॉस थीटा, एंगल देखो दोनों के बीच में कॉस जीरो फर्स्ट सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस के लिए फाइव टोटल करना ना, फाइव टोटल मतलब फाइव वन हो जाएगा ये, इसको फाइव वन लिखना, इसको लिखना फाइव टू, दूसरी के लिए बताओ एरिया, यहाँ लिखना ई ए डैश, सरफेस का एरिया मान लो ए डैश है, लेकिन एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है कॉस 90, ई और ई के बीच में एंगल देखो यहाँ पर कितना है ये 90, और इसमें अंदर क्या है ई कितनी है अंदर, ई ए कॉस थीटा लिखना और यहाँ पर लिख देना इसमें ई इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो हो जाएगी हमारी टोटल फ्लक्स फाई टोटल। अब इसमें ये वाले टर्म्स तो जीरो होने की, ई अंदर जीरो होता है इस वजह से इसको लिख देना तुम जीरो, यहाँ लिखना पड़ेगा ये जीरो क्यों हुआ, यहाँ फ्लक्स जो फाई थ्री इज इक्वल्स टू जीरो क्यों आई, यहाँ लिखना पड़ेगा अंदर ई क्या है जीरो है, यहाँ पर फाई टू इज इक्वल्स टू जीरो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर अंदर एंगल कितना है 90 है, और यहाँ पर कितनी बची फाई, फाई टोटल हमारी बची, इसका मतलब ई ए के कॉस जीरो की वैल्यू वन, फाई टोटल बनी वन। अब यहाँ गॉस लॉ लेफ्ट हैंड वाली साइड से लिखाना, और फाई टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, समीशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, समीशन क्यू कितना है अंदर इसमें टोटल चार्ज, तो अंदर इसमें टोटल चार्ज के लिए यहां पर सरफेस में एक ऐसी आप दिखा देंगे अंदर इसमें गोला, जो इसमें इसमें अंदर चार्ज कितना होगा, तो इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें ये सिग्मा इंटू ए डैश इसका चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी ए डैश है फाई टोटल में, ये ए डैश को भूलना नहीं, तो यहाँ सिग्मा ए डैश, सिग्मा क्या चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से तो हमारा फाई टोटल आएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ लिखना वन एंड टू को इक्वेट करने पर, जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो हमारा इक्वेट करने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ फाई टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लिखना ना भूलिएगा ये नीचे एप्सिलॉन नॉट का, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा ई राइट एल आर एच, इसको इक्वेट करिए ए डैश इज इक्वल टू सिग्मा ए डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ए डैश से ए डैश कट जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अच्छे नंबर लेने के लिए एक काम और करिएगा, इसमें ऐसे करके ग्राफ भी शो कर दीजिएगा आर के साथ में, यानी दूरी के साथ में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कांस्टेंट है ई दूरी के साथ में, यानी पॉइंट अगर पास में हो दूर कितना भी ले जाओ इसको, ई जो है उसका सिर्फ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा कंडक्टिंग प्लेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, इसमें हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, चॉइस है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर रॉड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसमें हमें एक ईएमएफ निकालनी है, ईएमएफ कितनी आएगी किसमें, एक मेटल की रॉड में, ये ले लीजिए रॉड, और कहां पर क्या कर रही है रॉड, इसमें बोल रहे हैं रॉड रोटेटिंग, रॉड घूम रही है, घुमा दीजिए रॉड को, ये एक सर्किल में घुमा देते हैं यहाँ से इस तरह से, कहाँ पे घूम रही है, इसमें एक चीज और बोल रहे हैं कि ये कहाँ पे घूम रही है, ये रॉड रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा देते हैं, क्रॉस से दिखा दें, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस का मतलब क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हमने लगा रखी है, ठीक है, ये इतना करने के बाद समझ जाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर इसमें लगाई हुई है। तो इस रॉड की लेंथ ले लेते हैं एल, अब इसमें रॉड में घूमने से एक ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ हमें फाइंड करना है, विद्युत वाहक बल कितना आएगा। तो देखिए इसको घुमाते समय एक चीज का ध्यान रखिए, इसमें रोटेशन दे रहे हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग भी बोल सकते हैं, वो ओमेगा है। अब इसमें एक काम करते हैं, इसका ये ईएमएफ फाइंड करने के लिए एक यहाँ से छोटी एक छोटा सा पीस ले लेते हैं डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ का एक स्मॉल पीस हम एल दूरी पर इमेजिन करना पड़ेगा हमें, ये भी घूमेगा ना ये रॉड के साथ में, ये पीस भी घूमेगा इस तरह से,
तो इस पीस को हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। और हम अच्छी तरह जानते हैं, पहले से ही हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो छोटी इस रॉड के लिए, इसकी वजह से ये घूम रहा है, जो छोटा हिस्सा घूमने की वजह से ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ये, जानते हैं ई इज इक्वल्स टू बी बी एल। तो यहाँ बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वी क्या है इसकी वेलोसिटी है, ये चल रहा है इसकी वेलोसिटी है, और डी एल क्या है इसकी खुद की लेंथ है, तो ये स्मॉल लेंथ का हमने ले लिया। तो अगर हमें पूरी लेंथ का चाहिए तो पूरी लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी लेंथ से इसका दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा वो आता है, ये तो पूरा ई एम एफ हो जाएगा, ई लिख दीजिए, बी और बी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए। लेकिन अभी हमारा सवाल क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमने इसको क्या रोटेशन दिया हुआ है, ओमेगा का, और वी और ओमेगा में अब रिलेशन पता है आपको, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब यहाँ आर कितना माना हुआ है, इसकी लेंथ एल हो जाएगा, तो एल इंटू ओमेगा, या वी की बजाय पहले इसको और हमें रखना पड़ेगा, वी इज इक्वल्स टू एल ओमेगा, क्योंकि यहाँ डी एल था ना इंटीग्रेशन करने के लिए, यहाँ एल लाना था हमें, तो हम इस वजह से इसको हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया, बी ओमेगा को मान ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन एल डी एल, और जैसे ही एल डी एल को करते हैं, इंटीग्रेशन एल क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन टू, तो ई इक्वल्स टू क्या है हमारा, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। अब चाहे तो हम ओमेगा की एक और हम लिख सकते हैं, ये ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी थी, और हम अच्छी तरह जानते हैं फ्रिक्वेंसी के साथ में इसका रिलेशन ये होता है, आवृत्ति के साथ में 2 पाई एन होता है, तो हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ई हमारा जो कितना आएगा, हाफ बी, ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ, 2 पाई एन इंटू एल स्क्वायर, या 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ई जो हमारा आता है कितना आता है, बी पाई एल स्क्वायर इंटू एन, और ये पाई एल स्क्वायर क्या है, जरा देखिए पाई एल स्क्वायर, ये पूरा जो सर्कल बनेगा क्या इसका एरिया नहीं होगा ये पाई एल स्क्वायर, तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू एन, ये हमारा रिक्वायर्ड ई एम एफ हो जाएगा। और इसमें ये ध्यान रखिएगा ए क्या है, पूरा इसका एरिया, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ई क्या है जो इसमें ई एम एफ आया होगा, एन क्या है इसकी फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा गया है ड्रॉ करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, साथ में एक चीज और पूछी है सर्किट डायग्राम दोनों बनाने। तो डायोड लिया, इसका पी पॉजिटिव इधर वाला होता है, नेगेटिव इधर होता है, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, देखो। और साथ में हमें इन कर्व्स में क्या करना पड़ता है, एक एमीटर भी चाहिए, तो यहाँ पे मिली एमीटर लिया, मिली एमीटर चाहिए, तो मिली एमीटर का ध्यान रखो नेगेटिव उठा के इसके नेगेटिव को हमें कहाँ जोड़ना है, बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, ये देखो ये वायर ली और बैटरी के नेगेटिव से हमने जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव से मिली एमीटर का नेगेटिव जोड़ दिया। अब दूसरा इसका जो प्लस है मिली एमीटर का वो किससे जोड़ा है, इसके नेगेटिव से जोड़ा, और ये पॉजिटिव इसके संग में जोड़ा, ऐसा अरेंजमेंट, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ता है, इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। डायोड है ये पूरा, कौन बनाया हुआ है, डायोड। अभी भी यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया, तो हमें वोल्ट मीटर भी लगाना, तो वोल्ट मीटर तो ऑलवेज कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है ना, तो पैरेलल में आप इसको इसके साथ में पैरेलल में यहाँ पर वोल्ट मीटर आसानी से लगा सकते हैं, ये लगा दिया, तो फॉरवर्ड बायस का हमारा सिंबल हो गया। देखो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, नेगेटिव साथ में नेगेटिव, ये लगाना है। तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का हमने ड्रॉ कर लिया, सर्किट तो हो गया, एक पार्ट हमने कर लिया सर्किट, अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बनाना है। तो हम जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करते समय फॉरवर्ड बायस में जो हमारा कर्व होता है ना कैसा मिलता है, जान दो, हम क्या करते हैं, नॉब्स होती हैं, इसमें वोल्टेज को चेंज करते हैं, और इस चीज इसको देखते हैं करंट को, कि हमारे पास में दोनों इसमें जब प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ वोल्ट मीटर भी होता है, इसमें ये सुई जो है ऐसे नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, अगर आप यहाँ पर नॉब को ऐसे घुमाओगे, इसमें नॉब लगी रहती है, ऐसे घुमाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो हम
ये लगाने का मतलब ही यही है रेजिस्टेंस का। हमने रेजिस्टेंस इसलिए लगाया क्योंकि हम इसमें वोल्टेज को या इस करंट को चेंज कर सके। तो जैसे ही हमने इसमें यहाँ पर इस नॉब को घुमाया और सपोज सुई आई यहाँ, तो हम देखेंगे इसमें एमीटर जो बगल में रहता है, मिली एमीटर है ना जो, इसमें कितना करंट आया। बस इन दोनों का हम ग्राफ को हमें प्लॉट करना होता है। तो देखो यहाँ पे वी लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आई। वो ये ओम्स लॉ वाला ही है एक तरह से। ओम्स में क्या होता था, वी और आई में सीधी लाइन मिलती थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताया ओम्स लॉ का वेरिएशन होता है इनमें। इनमें कभी भी सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ओम्स लॉ का डिविएशन। हम पूछते हैं ओम्स लॉ, क्वेश्चन भी आता है ओम्स लॉ किन डिवाइसेस में फेल होता है, तो एक उसका आंसर हम लिखते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें डायोड्स में ये नहीं होता, फेल होता है। तो क्यों होता है फेल, क्योंकि जैसे ही हम इसका ग्राफ खींचते हैं ना, तो इसका ग्राफ जो हम प्रैक्टिकल करते हैं पेपर में, तो यहां तक तो ठीक है चलता है, इसके बाद एकदम से करंट शूट अप करता है। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, ध्यान रखना फॉरवर्ड का, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहने वाले हैं, इसमें हम ये बताएंगे थोड़ा सा, इसमें अगर हम बता भी चाहें तो हम ये बताएंगे कि इसमें जो वोल्टेज है, एक वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं इसको नॉब को, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एकदम से करंट जो है शूट अप हो जाता है, इस ग्राफ से ही पता चलता है। जब तक तो ठीक है, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वी को बढ़ा रहे हैं, आई भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इस जगह पर आते ही लगभग इस पॉइंट पर एकदम से शूट अप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल, ऐसे एकदम से इंक्रीज को बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है करंट चर घातांक की रूप से, ठीक है। और ये जिस वोल्टेज पे होता है ना, इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, तो जिस वोल्टेज पर एकदम से एक्सपोनेंशियल ये बढ़ता है, उसका नाम कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज भी बोलते हैं। समझ में आ गई। तो कट इन वोल्टेज क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस में उस जिस वोल्टेज पर करंट एकदम से एक्सपोनेंशियल से बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा हम इसमें एक्सप्लेन करते हुए लिख देंगे। और अगर हम बात करते हैं इसकी रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में कुछ नहीं करना, रिवर्स बायस में बस इसको उठा के उल्टा कर देना है, क्योंकि इसका नेगेटिव अगर पॉजिटिव से जुड़ता है तो ये रिवर्स बायसिंग होती है। तो हमने इस काम को कर दिया। अगर इसका ग्राफ हम खींचते हैं रिवर्स बायस का, तो रिवर्स बायस का ग्राफ देखो स्टूडेंट्स कैसा हमें मिलता है, ये याद रखना है हमें। रिवर्स बायस का ग्राफ हमें हमें जो मिलेगा, हम इस जगह पर इसको ड्रॉ करेंगे इस कंपोनेंट में, ये तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस जगह पर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोबारा इसको बढ़ाते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्शन करने के बाद हम इसको फिर बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते हम देखते हैं कि इसको बढ़ाते हैं तो ये जीरो ही रहता है लगभग, जो प्रैक्टिकल करते हैं तो इसमें ये बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए और ये लगभग जीरो ही होता है। लेकिन जैसे ही कुछ एक वोल्टेज आती है, उसके बाद में करंट थोड़ा सा बढ़ता है, फिर यहां से शूट अप हो जाता है, बिल्कुल इस ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा। तो वो वोल्टेज जहां से करंट आना स्टार्ट हो जाता है, इसमें आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, आप इसको इंक्रीज करते जाइए यहां तक, वोल्टेज सपोज आपकी 5 लगा दिया हमें 5 वोल्ट, तो इसमें 5 वोल्ट में भी करंट अभी भी कितना है, यहाँ पे 0 है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। धीरे धीरे आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अब इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा है, जो थोड़ा सा जिसमें डिफ्लेक्शन आने लग जाता है और थोड़ा सा और बढ़ाने पर ये सुई एकदम से भागती है, ये देखो थोड़ा सा होती है करंट एकदम से इंक्रीज होता है। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम होता है इसका, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमने जो ग्राफ है दोनों ड्रॉ कर दिए हैं, और यहां पर ये जरूर ध्यान रखिएगा किस किस के बीच में खिंचा हुआ ग्राफ है, ये वी और करंट के बीच में आई। अब इन दोनों ग्राफों को आप चाहें तो मिला के भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों कर्व्स को नॉर्मली ऐसे बना दीजिए, इसको ये और इसको यहाँ से ऐसे। तो ये कौन सा हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया दोनों को, हमने फॉरवर्ड बायस था ये, और ये वाला कौन से का बनाया हमने, रिवर्स बायस का हमने ड्रॉ कर दिया।